अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन चुनाव प्रचार के दौरान अपने किए गए एक वादे को पूरा करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वो करीब 1,10,00,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को अमेरिकी नागरिकता देने जा रहे हैं जो कानूनी रूप से बिना मान्यता के ही अमेरिका में रह रहे हैं, जिसका फायदा लाखों भारतीयों को मिल सकता है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन अप्रवासियों के मुद्दे पर अहम कदम उठाने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जो बाइडेन अपने कार्यकाल के पहले ही दिन आवर्जन विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं। बाइडेन के इस कदम से अमेरिका में बिना कानूनी मान्यता के रह रहे 1,10,00,000 से ज्यादा लोगों को वहां की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। खास बात यह है कि इसमें एक बड़ी संख्या भारतीयों की भी है। जो बाइडेन का यह कदम डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासी नीति से बिल्कुल अलग है। ट्रंप ने अपने 4 साल के कार्यकाल में न सिर्फ रोजगार और उज्जवल भविष्य की तलाश में अमेरिका आने वाले लोगों को रोका, बल्कि बड़े पैमाने पर अवैध रूप से अमेरिका में आए लोगों को डिपोर्ट भी किया गया। लेकिन जो बाइडेन ट्रंप की नीति से बिल्कुल अलग चल रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान अमेरिका के दरवाजे प्रतिभाशाली लोगों के लिए खोलने का वायदा किया था। बाइडेन के इस कदम से लैटिन अमेरिकी देश, भारतीय और चीनी लोगों को काफी फायदा होगा। क्या है जो बाइडेन की अप्रवास नीति? बाइडेन अप्रवासी लोगों को कानूनी मान्यता देंगे। 1 जनवरी 2021 को बेंचमार्क बनाया है, यानी 1 जनवरी 2021 तक अमेरिका में अवैध रूप से रहने वालों को कानूनी मान्यता मिलेगी। गौरतलब है कि जो बाइडेन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वो अप्रवासी लोगों को अमेरिका में रहने का कानूनी अधिकार दिलाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने वायदे को पूरा करने का मन बनाया है। लेकिन बाइडेन के इस कदम को अमेरिका की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि बाइडेन का यह कदम राजनीतिक रूप से उन्हें और ज्यादा मजबूत करेगा। गौरतलब है कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी तक कानूनी मान्यता नहीं मिली थी, यानी कि कभी भी उन्हें अमेरिका से बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन बाइडेन के इस कदम से उन्हें कानूनी मान्यता मिलेगी और अमेरिका जैसा विकसित देश अपने उज्ज्वल भविष्य के सपने को लेकर आए लोगों का सपोर्ट बाइडेन को मिल सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए अप्रवासी लोगों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अमेरिका में नागरिकता पाने के लिए 8 साल तक करना पड़ेगा इंतजार। इस दौरान उनके व्यवहार और कानून के प्रति सम्मान पर नजर रखी जाएगी। सबसे पहले इन्हें 5 साल तक ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। इस दौरान उनका बैकग्राउंड चेक होगा। इस जांच के बाद उन्हें दूसरे फेज में ट्रांसफर किया जाएगा। इस चरण को न्यूट्रलाइजेशन का नाम दिया गया है। इस फेज में लोगों की नागरिकता पक्की की जाएगी। बाइडेन की इस योजना से अमेरिका में अपने सुनहरे भविष्य का सपना संजो रहे लोगों के लिए बेहद खास है। अमेरिका में भारतीयों की आबादी वहां की कुल आबादी का 6% है। इसमें से लाखों लोग ऐसे हैं जो कानूनी रूप से वहां नहीं रह रहे और उन्हें अमेरिकी नागरिकता की जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक ऐसे 5 लाख भारतीय हैं जिन्हें वहां की नागरिकता मिल सकती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।